नमस्कार, मैं कल्पिता आप सबको फिर से एक बार कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 2 टेबल डेकोरेशन आइडिया। ठीक है, जैसे कि पता है हम लोगों को कि अभी बिहू का फेस्टिवल आ रहा है, तो घर को थोड़ा सजाने से अच्छा भी लगता है, है ना। तो मैंने भी थोड़ा सा सजाने के लिए ट्राई किया है, टेबल को डेकोर करने के लिए ट्राई किया है थोड़ा सा, और वही आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, और जब भी कोई गेस्ट आता है, फर्स्ट अटेंशन गेस्ट का जाता है टेबल पे या जाता है वॉल पे, तो मैंने वही टेबल को कैसे सजाया है आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं वीडियो को। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं ले रही हूँ एक मूगा कलर का कपड़ा। ये मूगा कपड़ा नहीं है, लेकिन ये इसका जो कलर है ये मूगा कलर है। इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया है इसको। इसको पहले मैंने फोल्ड करके इसको बिछा दिया है। अभी देखिए ये एक बेस जैसा हो गया है। मैं ले रही हूँ एक गामोसा, और गामोसा को मैंने लंबा करके फोल्ड कर लिया बीच में से। और उसके बाद ये टेबल क्लॉथ के ऊपर मैंने एक रनर जैसा लुक देने के लिए इसके ऊपर बिछा दिया है। बॉर्डर है वो दोनों साइड में आ गया है, उसका फ्लावर डिज़ाइन जो जापी डिज़ाइन है, और एक साइड में रेड कलर का बॉर्डर। नेक्स्ट अभी मैं लूँगी ये कलरफुल जापीज। देखिए फ्रेंड्स, मैं दो जापी को ऐसे करके प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, और इसका जो ऊपर का साइड में मैंने बॉर्डर छोड़ दिया है। ये दोनों जापी को मैंने ऐसे प्लेस कर दिया है। देखिए इसका लुक थोड़ा सा कलरफुल आ रहा है। अभी मैं इसमें रखूँगी एक पॉट। ये पॉट को हम लोग बोलते हैं घोटी। ये ब्रश का होता है, और इसमें मैं रख दूँगी अभी आर्टिफिशियल फ्लावर्स। आप लोगों के पास अगर फ्रेश फ्लावर अवेलेबल है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टिक आप लोग देख रहे हो, ये पहले इसका DIY मैंने बना के रखा है मेरे चैनल में, आप लोग वो देख सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट टेबल डेकोर आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये कैसा लगा आप लोग जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। ये देखिए जापी, और ये वाला जापी में मेरा पॉम पॉम गिर गया था, तो मैंने एक दूसरा लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ सेकंड टेबल डेकोर आइडिया। इसमें भी मैंने वही सेम जो टेबल क्लॉथ था मेरे पास वही मैंने यूज़ किया है, लेकिन इस बार मैंने गमछा का फोल्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसको थोड़ा और छोटा फोल्ड कर दिया है, और उसका ब्रेथ मैंने यूज़ किया है। गमछा को दोनों साइड से मैंने फोल्ड करके रखा है। देखिए उसका साइड को अच्छा से फोल्ड कर लिया है। ये फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रही हूँ एक डिश, और इसमें मैं यूज़ करूँगी अभी ये वाइट मार्बल स्टोन्स। मैंने वाइट मार्बल स्टोन साथ में थोड़ा सा कलरफुल स्टोन भी था, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा नेचुरल लुक लाने के लिए ट्राई करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं इसमें एक हराई भी रखूँगी। ये है हराई, ये मेरे हाथ में आपने जो अभी देखा है, ये हम लोग इसको बोलते हैं हराई। ठीक है, और इसमें एक मैंने प्लांटर भी रख दिया है, और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी ये वन हॉर्न राइनो। ये असम का एक फेमस एनिमल है, आप सभी को पता है वन हॉर्न राइनो। लेकिन देखिए मेरा राइनो को क्या हो गया है, ये राइनो का जो सिंग है ना, ये सिंग मेरा बच्चे ने तोड़ दिया है। कोई बात नहीं, इस पर कुछ रिपेयरिंग करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं डेकोरेशन के लिए इसे रख देती हूँ।
अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं एक कटोरी में ले रही हूँ पानी, और इसको हम लोग बोलते हैं बान बाटी। ये जब भी हम लोगों का बिहू या कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी बड़े लोग आते हैं घर पे, तो हम लोग इस पर सर्व करते हैं। लेकिन इस पर मैं अभी क्या रख दिया है, मैंने थोड़ा सा रोज़ का पेटल्स रख दिया है एक में। देखिए इसमें थोड़ा अच्छा फ्रेगनेंस भी आ जाएगा और साथ में इसका जो एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा अच्छा लगता है, इससे थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स भी आता है। ये देखिए मेरा राइनो हो गया है, प्लांटर हो गया है, थोड़ा सा स्टोन, और मैंने हराई भी रख दिया है। इसमें मैंने ट्राई किया एक नेचुरल लुक लाने के लिए। ये टेबल डेकोर में मैंने ट्राई किया थोड़ा सा एक नेचुरल लुक लाने के लिए। इसके लिए मैंने जितना हो सके कुछ नेचुरल, जैसे कि स्टोन हो गया, पानी हो गया, फिर आपका ये प्लांट हो गया, इसको ऐड करने के लिए ट्राई किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बान बाटी में मैंने अभी दो फ्लोटिंग कैंडल्स मैंने रख दिया है, दोनों को जला भी दिया है। देखिए कितना अच्छा लगता है, आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। कोई भी फ्लोटिंग कैंडल्स हो, कोई भी मतलब कैंडल्स रखने से घर पे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा डेकोर वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोगों को बिहू का बहुत बहुत शुभकामनाएँ मैं पहले से आप लोगों को देती हूँ, और आशा करती हूँ आप लोग अच्छा रहिए, हेल्दी रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले बार फिर से मिलूँगी कुछ नया क्रिएटिविटी, नया क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार।